हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का ही है, 1955, 52 वीक का लो है 510, क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 568,455, डिलीवरी क्वान्टिटी 289,563, डिलीवरी परसेंटेज 50.94%, मार्केट कैप है 41,653 करोड़ की, डेट है 204 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। FIIs, जब इस स्टॉक का IPO आया था तब उस टाइम पर 9.3 थी, अब देखिए 77.26, अनबिलीवेबल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और हाफ से भी कम हो गई, उसके बाद से बढ़ी है, देन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है FIIs का जो शेयर होल्डिंग है। DIIs 1.06 से 1.33 हो गया है, बढ़ गया है, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, एवरी क्वार्टर बढ़ाया है। पब्लिक यानी रिटेलर्स बहुत कम हो गया, 21.42%। ऐसा लग रहा है इसी स्टॉक को सिर्फ FIIs और DIIs ही रन कर रहे हैं, बाकी रिटेलर्स का पार्टिसिपेंट्स इसमें जो शेयर होल्डिंग है बहुत कम है, 21.42%। बात करते हैं न्यूज की। एक न्यूज है, PM मोदी प्रेजेस पेटीएम एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरियाज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेटीएम के बारे में बोला है एक अपनी स्पीच में जो इन्होंने दी है माना टाउन में उत्तराखंड में, कि पेटीएम जो है वो रूरल एरियाज में डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और डिजिटल इंडिया में पेटीएम का बहुत बड़ा योगदान है, इस टाइप में इन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला हुआ है। बात करते हैं दूसरी न्यूज की, FPI एंड म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज दियर शेयर होल्डिंग स्टेक्स इन पेटीएम। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड, इन दोनों ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है पेटीएम के अंदर। म्यूचुअल फंड ने 1.14 से 1.26% की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 5.45 से 5.77% बढ़ाई है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। अब हम लोग चार्ट पे बात करते हैं, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में 39, ये है वन डे का चार्ट, वन डे के चार्ट में वन आवर का चार्ट है, वन आवर के चार्ट में RSI भी 39 ही है और वनडे के चार्ट में भी 39 है। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में देखते हैं, इस स्टॉक का जब IPO आया था 1955 के हाई लगाया, यहाँ पे 510 का लो। अब यहाँ पे देखेंगे जरा, यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर आप ये देखेंगे, काइंड ऑफ W पैटर्न फॉर्म करने की शायद ये स्टॉक कोशिश करेगा यहाँ से, राइट। यहाँ पे वनडे के चार्ट में, वनडे के चार्ट में ये स्टॉक 510 का लो लगाने के बाद में यहाँ पे 625 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक डोजी चार्ट, डोजी कैंडल है वीकली, यहाँ भी एक डोजी कैंडल बन चुकी है वीकली की, राइट। अब डोजी के ऊपर ये देख रहे हो, ये डोजी कैंडल है, इसके नीचे निकलेगा स्टॉक, अगर इसके नीचे निकलता है ये जो डोजी है 639 के नीचे अगर निकलता है 625 आएगा ये स्टॉक नीचे, बताऊंगा क्यों आएगा। ये वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट में ये स्टॉक अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे आ सकता है, यहाँ से 625 से W पैटर्न बना के जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दोनों दोनों हैं। अगर ये स्टॉक नीचे आता है 625, वनडे के चार्ट में आ रहा है 625, वन आर के चार्ट में आ रहा है, क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मैंने बहुत सारी वीडियोज में बोला है, जब भी किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर किसी भी कैंडल के जो टेल है, टेल मतलब ये जो टेल है, ये टेल अगर ऐसी बनती है तो इसको ही कंप्लीट करने नीचे आता ही आता है, कोई भी स्टॉक होगा वो आएगा। तो चांसेस आर वेरी हाई ये स्टॉक 639 ब्रेक होने के तुरंत बाद नीचे 630-625 तक ये स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ सकता है। तो अगर आप लोग इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म देख रहे हो या लॉन्ग टर्म देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैटर्न है इसका, W पैटर्न बनाने की कोशिश कर लेगा ये स्टॉक 625 के बाद से, लेकिन अगर 625 का लेवल इसने ब्रेक किया तो नीचे 578 है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन ये अगर यहाँ से निकलेगा ऊपर 655 के ऊपर या तो 655 के आसपास में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए वनडे के चार्ट में, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अपसाइड टारगेट 700, 750 और 844 तक के जो लेवल्स है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा स्कोप है, अपसाइड भी जा सकता है, 1300 भी जा सकता है।
लेकिन जो मैंने वीडियो का जो थंबनेल दिया है 844 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दिया है जो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। इसलिए बाय ऑन डिप्स रखा है क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी दिख रही है। यहाँ पर 625 भी आ सकता है, 578 भी आ सकता है। अगर 625 आके अपसाइड निकल रहा है तो आप कन्फर्मेशन हो जाएगा 655 के ऊपर, फिर ये यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना देगा अपसाइड में, राइट। लेकिन अगर ये स्टॉक 625 से भी सपोर्ट नहीं लिया और नीचे और निकल गया तो 578 है। इसलिए 625, 578 ये दोनों नीचे के सपोर्ट हैं, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल जाता है ऊपर तो 655 के ऊपर ही आपको बाय करना पड़ेगा। वनडे का कैंडल बनना चाहिए उसके ऊपर ही आपको बाय करना पड़ेगा। टारगेट्स ऊपर के बता दिए हैं, चांसेस आर वेरी हाई ये स्टॉक नीचे स्टेल को पूरा करने के लिए आ सकता है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, ये टेल बनी, यहाँ से गया वापस स्टेल को पूरा करने के लिए ऊपर गया स्टॉक, राइट। नीचे आएगा, इस टेल को पूरा करने के लिए आएगा ये स्टॉक नीचे, तो ये चांसेस हैं और ये प्रोबेबिलिटीज हैं। लेकिन कोशिश यही है नीचे 625, 578, 625 मिलता है बाय कीजिए डेफिनेटली, फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग 578। नहीं यहाँ से अपसाइड निकल रहा है 655 के ऊपर, टारगेट्स ऊपर 700, 750 एंड 844 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। अगर इसने यहाँ पे 625 के आसपास में सपोर्ट ले लिया या 578 के आसपास सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, तो फिर समझ जाना एक कंफर्मेशन है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और जैसे ही 844 क्रॉस करेगा अपसाइड में तो फिर ये बड़ा टारगेट देगा। लेकिन फिर से वही है, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में किसी को नहीं पता, बस शॉर्ट टर्म के लिए यही टारगेट्स हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।